हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम ब्लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोलिंग मार्जिन के बारे में। रोलिंग मार्जिन क्या होता है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। इसके फायदे क्या क्या है ये भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोलिंग मार्जिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ पहले रोलिंग मार्जिन है क्या। सपोज आपको एक काम दिया गया, आप अपने प्रोजेक्ट का क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है उसका बजटिंग कर रहे हैं। बजटिंग करते वक्त आप क्या करेंगे, स्टील निकालेंगे। स्टील का आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप जनरल से बात है आप उसको वेट में कैलकुलेट करेंगे कि मेरा इस प्रोजेक्ट के लिए इतना केजी स्टील लगने वाला है, राइट। जब आप स्टील निकालेंगे केजी में तब आपको वेट, यूनिट वेट का पता होना जरूरी है बहुत। ठीक है, तो यूनिट वेट आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है डी स्क्वायर बाई 162। ठीक है, ये है मेरा डी स्क्वायर बाई 162, वेयर डी इज द डाया ऑफ द बार। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप वेट निकालते हो स्टील का। तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज मैं आपको एक बताता हूं, आप जब आप बजटिंग कर रहे हो, 8 का स्टील आया, 8 mm का स्टील आया। ठीक है, एट एम एम स्टील का यूनिट वेट क्या होता है, 0.395 kg। मतलब यूनिट वेट बोलने का मतलब क्या है, इतना केजी पर मीटर। ठीक है, पर मीटर या रनिंग मीटर, मतलब अगर 8 mm स्टील का 1 मीटर का अगर आप लेंथ काटोगे तो उसका वेट जो स्टैंडर्ड हिसाब से जो होना चाहिए वो कितना होगा, 0.395 kg। ठीक है, 395 ग्राम, राइट। तो जब आप बजटिंग करोगे ना तो आप 8 mm का स्टील का वेट जो निकालोगे इसके हिसाब से निकालोगे। बट जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे साइट पे काम करते हो तब क्या होता है, जो वेंडर है वो जो स्टील आपको प्रोवाइड करता है, हो सकता है 1 मीटर का जब आप उसका सरिया काटोगे साइट पे तो हो सकता है उसका जो एक्चुअल वेट है वो इतना ना भी हो, मतलब 0.395 kg नहीं भी हो, ज्यादा हो सकता है। ऐसा ज्यादा केस में होता है, किस लिए होता है, देखिए वेंडर क्या चाहेगा कि वेट ज्यादा हो मेरा, ताकि केजी मतलब वेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। बट आप बजटिंग किए हो इस यूनिट वेट के हिसाब से, और अगर साइट पे जो स्टील आ रहा है उसका यूनिट वेट ज्यादा है तो आपका बजटिंग अप डाउन हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए आईएस कोड 1786 में ये दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज से कितना परसेंटेज तक, मतलब ये स्टैंडर्ड वेट हुआ, इससे कितना परसेंटेज ज्यादा और कितना परसेंटेज कम होगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे अगर ज्यादा, जितना अलाउबल दिया हुआ है उससे अगर ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो आप जो स्टील है उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर एक्सेप्ट कर भी लिए हो तो एक्सेस जो वेट है ना उसको क्या करना है, नेक्स्ट बिल में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। नहीं तो वेंडर क्या चाहेगा, वो तो भारी से भारी ज्यादा वेट वाला स्टील आपको देता जाएगा, आपका क्या होगा स्टील का वेट बढ़ता गया, बजट बढ़ता गया। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, देखेंगे कि जो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए स्टील कैलकुलेट किया था 2 टन, सपोज मैं बता रहा हूँ 2 टन 8 का, बट लास्ट में जाकर देख रहा हूँ कि 3 टन हो चुका है। ठीक है, तो 1000 kg 1 टन जो बढ़ गया उसका पैसा कौन देगा, मेरे पॉकेट से ज्यादा जा रहा है, राइट। तो यही चीज को कंट्रोल करने के लिए हम रोलिंग मार्जिन करते हैं। तो रोलिंग मार्जिन क्या है ये बताता हूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। ठीक है, 8 mm का स्टील पकड़ता हूं, इसका जो स्टैंडर्ड वेट है वो कितना है आप सभी जानते हैं, 0.395 kg 1 मीटर का। ठीक है, अब जो आपके साइट पे जो स्टील आया, उसका जब आप 1 मीटर काट के जब वेट करते हो तो वो कितना निकला, सपोज वो निकला 0.420 kg। ठीक है, 420 ग्राम। तो आप देखो जब आप 0.420 से 0.395 आप माइनस करोगे, ये जो 25 ग्राम, ठीक है, 0.025 kg एक्स्ट्रा आया, इसका तो मैं पैसा ज्यादा दे रहा हूं ना, तो मैं क्यों दूंगा, इसलिए
रोलिंग मार्जिन निकाला गया। रोलिंग मार्जिन निकाला गया, उसके लिए आईएस कोड क्या बोल देता है, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया है। मतलब ये स्टैंडर्ड वेट है, इससे कितना प्लस होना चाहिए या कितना माइनस होना चाहिए इतना ही हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके ज्यादा हो जाता है या उससे कम भी हो जाता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिजाइनर डिजाइन करता है ना आईएस कोड के, इस रोलिंग मार्जिन को दिमाग में रख के डिजाइन करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूं किस डाया का कितना से कितना तक जाने से वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए आईएस 1786 में ये दिया हुआ है, अगर स्टील 8 mm से 10 mm का है तो इसमें प्लस माइनस 7% अलाउबल है। मतलब जैसे 8 mm हुआ ना, 0.395 से जो बढ़ेगा, मतलब देखिए जैसे ये साइड पे आपका केजी में आया, ये स्टैंडर्ड है, अब इससे इसको माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा ये आंसर प्लस, मतलब ये तो ज्यादा में है ना, मतलब प्लस में हो गया, ये जो आंसर आया ये आंसर इस स्टैंडर्ड वेट का 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 7 तक ही अलाउबल है। वैसे ही अगर स्टील बढ़ जाता है 12 mm से 16 mm तक तो प्लस माइनस 5% अलाउबल है, और 20 mm टू अबव, इससे अगर ज्यादा होगा तो हम लोग प्लस माइनस 3% अलाउबल है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला कुछ खास नहीं है, आप इसको क्या करना है, इसको मैं स्टैंडर्ड वेट मान लेता हूं एस डब्ल्यू, और ये मेरा एक्चुअल वेट मान लेता हूं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका रोलिंग मार्जिन का वो होगा एक्चुअल वेट माइनस स्टैंडर्ड वेट बाय स्टैंडर्ड वेट इनटू 100%। ठीक है, ये जो आंसर आएगा ना ये इस रेंज के अंदर रहना चाहिए, इस रेंज के अंदर रहना चाहिए, इससे अगर बाहर जाएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बदले में क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा स्टील है हम लोग क्या करेंगे, वेंडर को बोलेंगे अगले बिल में उसको मेकअप कर लो। ठीक है, तो रोलिंग मार्जिन ये है, रोलिंग मार्जिन इधर उधर हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारा बजट पूरा इधर उधर हो जाएगा, हमें पैसा ज्यादा देना पड़ जाएगा, हम क्यों देंगे एक्स्ट्रा स्टील का पैसा, राइट। तो ये है रोलिंग मार्जिन। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊंगा आपके लिए, वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कैसे साइट पे हम लोग करते हैं पूरा उसका फॉर्मेट के साथ आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।